नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। बाबा बलदेव दास विद्या निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के वार्षिक महोत्सव में बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आरती राव का विद्यालय पहुंचने पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने साल देकर उनका सम्मान किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत किए, जिसके बाद आरती राव ने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। उन्होंने मंच के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे परिवार को आज जो स्थान मिला है वह पटौदी की देन है। पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव हरिनगर डूमा में ग्रामीणों से रूबरू होते हुए कहा कि राव परिवार द्वारा क्षेत्र के विकास में निभाई गई भूमिका के बारे में वार्ता की और कहा कि वह पटौदी क्षेत्र की जनता की शुक्रगुजार है कि उन्होंने सदैव उनके दादा व पिता को अपना साथ व आशीर्वाद दिया। गणमान्य लोगों ने आरती राव का फूलमालाओं, साल, पुष्प गुच्छ भेंट करके सम्मान किया। वहीं मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन रघुवीर यादव के पौत्र परवीन यादव ने आरती राव को सिक्कों से तोला। आरती राव ने सम्मान राशि को शिव मंदिर में गौशाला में दान कर दिया। इस अवसर पर आरती राव ने कहा कि अभी चुनाव दूर हैं, वह वोट मांगने नहीं आई हैं, बल्कि आप लोगों से मिलने आई हैं। ग्रामीणों ने उनके सामने गांव में पेयजल की पाइपलाइन दबाने, सड़क की मरम्मत कराने व अन्य मांगे रखी। आरती राव ने कहा कि वास्तव में हरिनगर को जोड़ने वाली सड़क की हालत काफी दयनीय है। वह विधायक सत्य प्रकाश जरावता से इस विषय में मांग करेंगी। सड़क बनाए या न बनाए यह तो वही जाने। उन्होंने कहा कि पेयजल, सड़क आदि समस्याओं के लिए वह अपने पिता से पत्राचार सरकार से करवाने का प्रयास करेंगी। इससे पहले पूर्व विधायक विमला चौधरी ने कहा कि जब वह विधायक थी तो इलाके का ऐसा कोई शेष गांव नहीं बचा था जिसमें विकास न हुआ हो, लेकिन पिछले 5 सालों से पटौदी विकास के मामले में काफी पिछड़ चुका है। विधायक गांव में आते ही नहीं है तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ग्रामीण किस बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के अपने पटौदी क्षेत्र में काफी विकास किए हैं जो जग जाहिर हैं। इस मौके पर जिला परिषद के पूर्व उप प्रमुख संजीव यादव, जिला पार्षद यशपाल चौहान, पूर्व सरपंच उदय राव, पूर्व पूर्ण यादव, ब्लॉक चेयरमैन सुधीर यादव, अमित पहलवान करोला, भवर सिंह बोहरा, दयाराम यादव, बिल्लू प्रधान, बसंत कुमार मुशेदपुर, हंसराज पालड़ी, सत्येंद्र चौहान, सरपंच सुमन, डॉक्टर मुकेश के अलावा भारी संख्या में महिला एवं पुरुष व बच्चे मौजूद थे। स्कूल का एनुअल डे का प्रोग्राम है, तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। मैंने पढ़ाई के साथ साथ आप बच्चों को बाहर खेल कूद में जरूर निकालें, ये मैं सोचती हूँ कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सरसठ में दादाजी ने पटौदी से इलेक्शन लड़ा था और इसी इलेक्शन के बाद वो चीफ मिनिस्टर बने थे। और जब भी मैं पटौदी आती हूँ, इस बात का जिक्र जरूर करती हूँ कि हमारे परिवार को आज जो स्थान मिला है वो पटौदी की देन है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बिना हम कभी इस जगह नहीं पहुंच सकते। साथ साथ ये भी जरूर कहूंगी कि मुझे याद है 2013 की जो रैली थी, जो इंसाफ मंच की थी, जहां जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और लोग दूर दराज से आए थे, ट्रैफिक जाम हो गया था, फिर भी 15,000-20,000 लोगों की, ज्यादा 50,000 लोगों की, चलो नहीं नहीं कितने लोग थे, मगर बहुत बड़ी भीड़ थी। और आप सभी से साहब ने सलाह ली थी कि हम जाएं, हम क्या करें, और आपकी सलाह के बाद आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। और मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी कि तीन तीन क्षेत्रों में, तीन तीन स्टेट्स में विजय पा के आए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब आने वाला वक्त है इलेक्शन का और आपने हमें हमेशा सपोर्ट किया है और हमारी रुचि भी हमेशा पटौदी की तरफ बनी रही है।
ऐसा नहीं है बुरा जी, आप बोलोगे कि ऑफिस बनाओ, मगर ये है कि हमारा राम परिवार हमेशा हमेशा आपके साथ रहा, खड़ा रहा, जैसे आप साथ खड़े रहे हैं हम भी आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी मैं आशा करती हूँ कि ये बंधन बना रहे तो नहीं है। और कौन कहता है कि उनके घर जाना मुश्किल है, घर के ये गेट हमेशा खुले रहते हैं, रेवाड़ी हो या दिल्ली हो, तो आपके कोई भी काम हो उसमें कभी दिक्कत अड़चन नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको अंदर आने दीजिए। और ये जो पुरानी कहानी है ना कुत्तों के बारे में, ये मन घड़त है, कुत्ते हमें हमारे पास हैं, मगर मेरे को बता दो पिछले 25 साल में एक ही कुत्ता काटा हो किसी को? कुछ नहीं, टाइम से नहीं चलती, अरे चलती तो है, दस दिन आई बीस हर बच्चा हर मतलब हर के साधन नहीं है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बस वाले को खास जोड़ दीजिए। ठीक है, बस वाले जो जमीन के रोडवेज यहाँ से इसको खास जोड़ दीजिए, बहुत जरूरी है, इलाका बेरोजगार है, ठीक है, सब बसते जाते हैं, तो बसों का क्या किया जा रहा है जी? उम्मीद आ जा, बस वाली बात है, वो बार बार ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बातें होती रहती हैं कि राजा साहब है फलाना झगड़ा है, देखो राजा आप बनाते हो, ये प्रजातंत्र है, और राजा वो ही लोग बोलते हैं जो जो चुटकुली बनाना चाहते हैं कि देखो ये आता नहीं है, ये करता है। मेरे को लगता है, मैं अपने मुँह से बोल रही हूँ कि पिछले 15 सालों में जो काम गुड़गांव क्षेत्र और रेवाड़ी क्षेत्र में हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ, वो सड़कों का हो या मेट्रो का हो या आज के दिन एम्स का हो। तो मैं सोचती हूँ कि जो जो मेरे जुड़ाव साहब जो भी कोशिश करते हैं उनको सिरे चढ़ा के रखते हैं, इसका मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर उन्होंने कभी अपने आप किसी चीज़ के लिए अपनी ज़बान दी है तो वो पूरा ज़रूर करेंगे।